नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो यार, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो यार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार मेरा अकाउंट जो है कॉपीराइट के चलते मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया, और कुछ दिनों बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया था वो पूरा हो चुका था। यार इतना मेहनत से मैंने उस चैनल को जो है पूरा किया था, इतना मेहनत से जो है वॉच टाइम बढ़ाया था, अपने दोस्तों को बोल कर, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट कर कर कि सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए, इतना क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। तो कुछ दोस्तों ने बात मान लिया और कुछ लोगों ने नहीं माना, तो यार उन्हीं की बदौलत से मैं जो है 1000 सब्सक्राइबर जो है मेरे पूरा हो चुके थे। तो यार ये मेरा नया YouTube चैनल है, आप देख सकते हैं 7 सब्सक्राइबर है, और अब मैं अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करके करके परेशान हो चुका हूँ, कुछ नहीं मान रहे वो लोग, तो मुझे पता नहीं अब क्या करना है कैसे करना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर 37 व्यूज़ जो आया है, और कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जो मुझे अच्छा लगा, जिससे 14 से 15 व्यूज़ आए हैं। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई एक वीडियो जो है पूरा ज़रूर देखिए, मुझे जो है अपने मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो हाँ, कॉपीराइट था उस वीडियो में, थोड़ा बहुत था, इस पे क्लेम भी आता था, तो मुझे इतना पता नहीं था कि YouTube का जो है इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, ये है वो है, तो मैंने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसका बदौलत मुझे आज देख सकते हैं मुझे नया YouTube बनाना पड़ा। वो अकाउंट जो है YouTube ने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, डिसेबल कर दिया, पता नहीं उस अकाउंट वापस आएगा भी नहीं आएगा। तो उस वीडियो को आप लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा, तो ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि यार अगर आप कॉपीराइट कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बहुत ही पछताना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है। अगर आप कॉपीराइट नहीं कर रहे, अपने मेहनत से जो है काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको YouTube कोई रोक टोक नहीं है, आपको मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा जो है कॉपीराइट के चलते ही मेरा अकाउंट जो है बैन कर दिया गया, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। यार बहुत मेहनत से 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरा हुआ था, और वॉच टाइम भी पूरा हुआ था। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए जैसे ही अप्लाई किया, उन लोगों ने मुझे वार्निंग दिया कि आप लोग कॉपीराइट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया, बस कुछ दिनों की ही बात है। तो देख सकते हैं मैंने नया YouTube अकाउंट जो बनाया है, जिसमें मेरे 7 सब्सक्राइबर है और 0 पब्लिक वॉच आवर, मतलब अब तक 1 घंटा भी नहीं पूरा हुआ है, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये मैंने अकाउंट कुछ दिनों पहले ही बनाया है, जिससे मुझे अब इस अकाउंट को बढ़ाना है, और इस पे कॉपीराइट कंटेंट वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों से इतना ही उम्मीद है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं कुछ ही दिनों में मैंने जो है एक दो वीडियो बनाकर, मुझे जो अच्छा लगा वही वीडियो डाल दिया। शुरू शुरू में ऐसा होता है, तो बाद में जो है अब कंटेंट ढूंढो, अपने से खुद से करो, बहुत दिक्कत होता है, तो टाइम तो लगता ही है YouTube में अपलोड करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑन मनी ऑनलाइन का वेबसाइट, इस पर जाकर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, या तो जो नीचे का लाल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद है, होप आप मेरे बात को समझ रहे हो कि कितना दुख होता है आपके जो है मोनेटाइजेशन प्रोसेस में, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं और कुछ दिनों के बाद आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, या तो डिसेबल, टेम्पोरेरी बैन, कुछ भी कर दिया जाता है, तो कितना बुरा लगता है। मुझे जो है कॉपीराइट के चलते ऐसा हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए कितने सारे क्राइटेरिया है, उसको पूरा करना है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब बटन जो है क्लिक कर दीजिए, और मुझे हेल्प कीजिए, फिर से
खड़ा होने के लिए कि मैं फिर से YouTube वीडियोस बनाऊं और फिर से डालूं। तो यार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जो है कॉपीराइट कंटेंट मत डालिए, इससे आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे मेरे साथ हुआ, 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आया इसी के चलते कि मेरा अकाउंट डिलीट हो गया। यार दिन रात मेहनत करता था, कॉपीराइट था, भले ही एडिटिंग में काइन मास्टर के साथ करता था, और उस पर जो है डिलीट कर दिया। बस कुछ फ़ोटोज़ के कॉपीराइट के चलते, कुछ सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ के कॉपीराइट के चलते, कुछ वीडियो क्लिप्स के चलते मेरा अकाउंट जो है डिलीट कर दिया गया।